अषाढ़ के माह में गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और अषाढ़ का पावन महीना चल रहा है। 9 दिन लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा, आरती, स्तुति करते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र पूजा के लिए विशेष मानी जाती है और हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस बार गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई को रवि पक्ष नक्षत्र के दिव्य संयोग से आरंभ होगी। वैसे में इस पर सप्तमी तिथि का क्षय होने से नवरात्रि 8 दिन तक रहेंगे। देवी आराधना के पर्व काल में 3 रवि और 1 सर्वार्थ सिद्ध योग बनने रहे हैं। दिव्य योग और शुभ संयोग की साक्षी में साधक सिद्ध क्षेत्र उज्जैन में गुप्त साधना करेंगे। ज्योतिषियों के अनुसार श्रीमदेवी भागवत में आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना के लिए 4 नवरात्र का उल्लेख मिलता है। इसमें 2 गुप्त और 2 प्राकट्य नवरात्र कहे गए हैं। चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्र प्राकट्य तथा माघ और अषाढ़ के नवरात्र कहलाते हैं। बता दें कि तंत्र मंत्र और यंत्रों की साधना के लिए गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा उज्जैन में माता हरसिद्धि समस्त प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई हैं। ऐसे में नवरात्रि में साधक इस सिद्ध क्षेत्र में सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त साधना करते हैं। उज्जैन का गढ़कालिका मंदिर भी अति प्राचीन मंदिर है। नवरात्रि में यहाँ भी बड़ी संख्या में साधक पहुँचते हैं, लेकिन इन दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार केवल दर्शन की अनुमति रहेगी, कोई भी बड़े आयोजन नहीं होंगे। बता दें कि 11 जुलाई को घट स्थापना के दिन सुबह 5:53 से पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा, ये रात्रि तक विद्यमान रहेगा। ऐसे में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की मान्यता है। वहीं 12 जुलाई को बुध का आर्द्र नक्षत्र में प्रवेश होगा। कहा जा रहा है कि इस दिन मध्यरात्रि में रवि योग बनेगा जो अगले दिन 13 जुलाई की अपर रात्रि तक रहेगा। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इसके अलावा 13 जुलाई माँ चंद्रघंटा का पूजन होगा। 14 जुलाई को रवि योग रहेगा और 16 जुलाई को सरस्वती सप्तमी के साथ सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होगा। वहीं माँ कुष्मांडा और स्कंद माता का पूजन 15 जुलाई, माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी 16 जुलाई को, माता कालरात्रि का पूजन होगा 17 जुलाई को। शुक्र मघा नक्षत्र के साथ ही सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ महाअष्टमी रहेगी, माता महागौरी की पूजा होगी। 18 जुलाई को रविवार के दिन भदाली नवमी के दिन अबूझ मुहूर्त के साथ गुप्त नवरात्र का समापन होगा और माँ सिद्धिदात्री की पूजन होगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।